हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आई हूँ 3 ब्रेडेड हेयर स्टाइल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन। इसके लिए निकालना है आपको साइड पार्टीशन। अब आप टॉप से थोड़े से बालों को ग्रैब करिए, डिवाइड देम इनटू 3 इक्वल सेक्शंस। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ब्रेड बनाना। नॉर्मल ब्रेड हम यहाँ बनाएंगे, बट हम हर स्टेप पे आगे से थोड़े थोड़े बालों को ऐड ऑन करेंगे। हमें यहाँ पे सिर्फ आगे से बालों को ऐड ऑन करना है, हमें पीछे के बालों को ऐड ऑन नहीं करना है। हम आगे के बालों को ऐड ऑन करेंगे जब तक हमारे सारे आगे के बाल कवर ना हो जाएं। मेरे आगे के बाल सारे कवर हो चुके हैं, अब हमें पीछे के बालों को कवर करना है। तो इसके बाद हम हर स्टेप पे पीछे से थोड़े थोड़े बालों को लेंगे और अपनी ब्रेड में ऐड ऑन करते जाएंगे। इट मीन्स पहले हमें आगे के बालों को कवर करना है, जब हमारे आगे के बाल कवर हो जाएं सारे तो हमें पीछे के बालों को कवर करना स्टार्ट कर देना है। कुछ इस तरीके से। जब हमारे सारे बाल कवर हो जाएं, तो हमें एक नॉर्मल ब्रेड बनाना है और एंड्स को सिक्योर कर लेना है रबर बैंड की हेल्प से। तो ये है आपका फाइनल लुक, है ना, बहुत ही सिंपल सा बट हटके। जो लोग अपनी रेगुलर ब्रेड से बोर हो चुके हैं वो ये लुक ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड लुक, इसमें हमें ब्रेड बनानी है। ब्रेड हम बनाना शुरू करेंगे आगे की डायरेक्शन से और उसके बाद जब ब्रेड कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसे पीछे ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमें लेने हैं दोनों साइड से थोड़े थोड़े बाल को और उन्हें डिवाइड करना है 3 इक्वल सेक्शन में। 2 स्ट्रैंड हमारे पास पहले से थी, उनसे थोड़े थोड़े बालों को ले के हम तीसरा एक स्ट्रैंड लेंगे और उसके बाद जब 3 स्ट्रैंड हो जाएंगे तो हम बनाना शुरू कर देंगे ब्रेड। अब यहाँ पर हर स्टेप पर हम थोड़े थोड़े बाल ऐड ऑन करेंगे दोनों साइड से। मेक श्योर स्टार्टिंग में आपकी ब्रेड जो हो वो बहुत ही टाइट ना हो, आप एंड में उसे टाइट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में इसलिए टाइट नहीं होनी चाहिए बिकॉज हमें ब्रेड बनाने के बाद इसे पीछे ले जाना है तो उसमें हमें प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह हमें कंटिन्यू करना है जब तक हम एंड तक ना पहुंच जाएं। एंड पे पहुंचने के बाद आप उसे सिक्योर कर लीजिए रबर बैंड की हेल्प से। तो यहाँ पे मेरी ब्रेड बन चुकी है, अब हम इसे बहुत ही आराम से पीछे की साइड ले जाएंगे। यहाँ पे आपके बाल फंस भी सकते हैं तो आपको ये स्टेप जो है बहुत ही आराम से करना है जिससे आपकी ब्रेड भी ना ख़राब हो और आपकी ब्रेड पीछे की डायरेक्शन में चली भी जाए। तो ये कुछ ऐसा लुक आएगा। यहाँ पे मैंने पहले से अपने थोड़े से बालों को पिनअप कर लिया था जिन्हें मैं अब ओपन करूँगी। आप इन बालों को ओपन कर सकते हैं या फिर आप इन्हें ब्रेड के अंदर कवर भी कर सकते हैं। तो ये है आपका फाइनल लुक और ये लुक है आपका पीछे की साइड से। आप इस ब्रेड को ट्राई ज़रूर करिएगा बिकॉज आपसे लोग पूछने वाले हैं कि ये आखिर किया कैसे। फॉर योर थर्ड लुक, आपको टॉप से थोड़े से बालों को ग्रैब करना है और उसकी बना लेनी है एक पोनीटेल। अब इस पोनीटेल को हम कर लेंगे साइड में
और इसी के जस्ट नीचे से हमें वापस से थोड़े से बालों को ग्रैब करने हैं और उसकी एक नई पोनीटेल बना लेनी है। अब जो हमने पोनीटेल को साइड में किया था उसे लेंगे और डिवाइड करेंगे दो इक्वल सेक्शन में और नई वाली पोनीटेल को उसके बीच से निकाल देंगे और कर लेंगे साइड में। अब इस पोनीटेल में हमें थोड़े से बालों को ऐड ऑन करना है और एक नई पोनीटेल बना लेनी है। अब हमने जो पोनीटेल को साइड में किया था उसे हमें डिवाइड करना दो इक्वल सेक्शन में और अपनी नई पोनीटेल को उसके बीच से निकाल लेना है और उसे कर लेना है साइड में। अब इस पोनीटेल में वापस से हमें थोड़े से बाल ऐड ऑन करके एक नई पोनीटेल बना लेनी है। यही स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं जब तक हम एंड तक ना पहुंच जाएं। पहली वाली पोनीटेल को डिवाइड करना है दो इक्वल सेक्शन में, नई वाली पोनीटेल को उसके बीच से निकालना है, उसके बाद उसे एक अलग पोनीटेल में टाई कर लेना है। बस यही दो स्टेप हैं आपको फॉलो करने हैं। ब्रेड कंप्लीट हो जाने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जो कि है उसे वॉल्यूम देना। वॉल्यूम देने से ही आपकी ब्रेड को फिनिश लुक मिलेगा, तो आप हर स्ट्रैंड को बाहर की तरफ पुल करके अपना डिजायर्ड वॉल्यूम दे सकते हैं। अगर आपकी ब्रेड इससे ख़राब हो रही है तो आप हर स्टेप पे वॉल्यूम देते जाइए ब्रेड बनाते बनाते। तो ये है आपका फिनिश लुक। आई जस्ट होप यू लाइक इट। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए कुछ अमेजिंग ब्रेड हेयर स्टाइल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को जरूर हिट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आज के वीडियो की आपकी फेवरेट हेयर स्टाइल कौन सी उसे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे स्टाइलिश।